हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस बाय पूनम. दिस इज़ द टॉपिक थायो ईथर. एज यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर आई थिंक अबाउट द थायो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड इन विच आई विल टॉक अबाउट थायो ईथर. थायो ईथर द नेम इंडिकेट इज रिलेटेड टू ईथर. ठीक है, ईथर क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए. फिर थायो मीन्स ऑक्सीजन इज ट्रांसफॉर्म्ड और एक्सचेंज्ड बाय सल्फर. ठीक है, तो हमने बात की थी सल्फर कंपाउंड की, ऐसे कंपाउंड जिनमें सल्फर पाया जाता है. ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ फंक्शनल ग्रुप सल्फर एक्टिव होता है, उसे उन्हें ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड कहा जाता है. इससे पहले हमने बात की थी थायोल की, जिसमें आर ओ एच की जगह आर एस एच जो है हमारे पास नया फंक्शनल ग्रुप आया था. एस एच हमारा नया फंक्शनल ग्रुप था ओ एच की जगह. सेकेंड हमारा है थायो ईथर. ईथर क्या होता है, आर ओ आर हमने क्या किया, ओ हटाकर ईथर का एस लगाया. ठीक है, एंड इट विल बिकम थायो ईथर. ठीक है, तो ये क्या है, ये एच टू एस का डाई एल्काइल डेरिवेटिव आप इसे कह सकते हो. एच टू एस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन और सल्फर, अगर ये दोनों हाइड्रोजन में रिप्लेस कर दूं आर ग्रुप के साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास थायो ईथर बन जाएगा. ठीक है, तो थायो ईथर में हमारे पास क्या होते हैं, दो आर ग्रुप होते हैं और एक एस ग्रुप होता है. ठीक है, और ये जो आर है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास जो नेमिंग होती है, कॉमन नेमिंग हम कैसे करते हैं, डाइल एल्काइल थायो ईथर. जैसे हम ईथर की नेमिंग करते थे ना, कि डाई मिथाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर, एल्काइल प्रोपाइल ईथर, इस तरीके से हमारी कॉमन नेमिंग होती थी. यहाँ पर हमारे पास जो भी एल्काइल के नाम हैं उनके साथ थायो ईथर लगाना है. आईयूपीएसी नेम जो है हमारे ईथर के कैसे होते थे, इथोक्सी इथेन, मिथोक्सी इथेन. ठीक है, हो सकता है अगर मान लो मेरे पास ऑक्सीजन के साथ जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक CH3 और दूसरा भी CH3 है, तो हम कहेंगे मिथोक्सी मिथेन. ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सी की जगह वर्ड यूज करना है थायो, एल्काइल थायो एल्केन. ठीक है, तो जो भी हमारा ग्रुप होगा, मान लो जैसे यही वाला मेरा कंपाउंड था जिसमें मैंने दो CH3 ग्रुप लगा रखे हैं, तो यहाँ पर ये सल्फर होगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे मिथाइल थायो मिथेन. ओके, तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसी होनी चाहिए. ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमें क्या बताना है, सबसे पहले कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन है, सल्फर है. ठीक है, सल्फर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके पास दो आर ग्रुप लगे हुए हैं. अब हाइब्रिडाइज जब ग्रुप होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, चार हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं. ठीक है, वो चार ऑर्बिटल कौन से होंगे, दो दो के दो तो आर के साथ बिजी होंगे बॉन्डिंग करने में और दो लोन पेयर को लिए हुए होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है. ये एंगल है वो जो डिपेंड करता है यहाँ पे आर ग्रुप कैसे लगे हुए हैं. अगर यहाँ पर आर ग्रुप सबसे छोटे CH3 लगे हुए हैं, दोनों ही मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो मिथाइल थायोमिथेन के लिए जो एंगल है वो 105 डिग्री का आता है. इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप बड़े या छोटे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है इंट्रैक्शन होती है, और इस इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये एंगल चेंज हो जाता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब हमने क्या कर लिया, थायो ईथर के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि इसकी एल्काइल इसका जो नेमिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसा है, होता क्या है. ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन पे. ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हमें बताना है कि इसको कैसे बना सकते हैं. जब भी हमें किसी का मेथड ऑफ फॉर्मेशन बताना होता है या समझना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेरा कंपाउंड है दैट इज आर एस एच, इसको मैं किस तरीके से बना सकती हूँ. एक मोटा मोटा आइडिया जो है वो दिमाग में होना चाहिए. ठीक है, लाइक अगर मुझे आर एस आर है. ठीक है, आर एस आर है तो इसको बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ. ठीक है, एक तो जैसे कि एल्कीन से बना सकती हूँ या नहीं, थायोल मतलब आर एस एच